चरखी दादरी से इस वक्त की बड़ी जानकारी ये सामने आई है, जहां एसपी निकिता गहलोत ने जिला पुलिस में बड़ा फेरबदल किया है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे सहयोगी प्रदीप साहू से। प्रदीप, एसपी निकिता गहलोत ने जिला पुलिस में बड़ा फेरबदल किया है, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए साक्षी, जिस तरह चरखी दादरी के एसपी निकिता गहलोत ने इसी महीने 7 अप्रैल को यहाँ पर ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद से ही पुलिस के आला अधिकारियों से कई बार मीटिंगें भी ली थी, अपराध को लेकर भी मीटिंग की गई थी। और ये सामान्य प्रक्रिया ये बताई जा रही है, अभी इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि एक सामान्य प्रक्रिया तबादले हैं। हालांकि जो एसपी निकिता गहलोत ने जिला पुलिस में जो भारी फेरबदल किया है उसमें 41 कर्मचारियों को इधर से उधर किया गया, जिसमें 6 इंस्पेक्टर हैं और चरखी दादरी के जितने भी जो पुलिस थाने हैं सभी के एसएसओ को भी बदल दिया गया है, जिसमें 6 इंस्पेक्टर 8 सब इंस्पेक्टर हैं और इसके अलावा 7 महिला कर्मचारी भी शामिल हैं। और साथ के साथ एसपी ने 3 पुलिस चौकियों के इंचार्ज को भी बदला गया है, क्योंकि ये माना ये जा रहा है कि जो दादरी क्षेत्र में जो अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ये सामान्य प्रक्रिया की गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप इस खबर के बारे में जानकारी हमको देने के लिए। देखिए एसपी निकिता गहलोत ने बड़ी कार्रवाई करी है, ऐसी जानकारी आ रही है। 3 पुलिस चौकियों के इंचार्ज जो है वो बदले गए हैं।